देसी और काबुली चने को मिक्स करके आज हम बना रहे हैं छोले मसाला, जिन्हें भटूरे, कुलचे, पूरी, पराठे, चपाती, राइस, नान आदि के साथ आप सर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, देसी चना और काबुली चना दोनों को मैंने अच्छे से पानी से वॉश किया और लगभग 8 से 10 घंटे के लिए, मतलब ओवरनाइट, मैंने भिगोने फूलने के लिए छोड़ दिया और अच्छे से वॉश करके फूलने के लिए डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, लगभग 10-12 घंटे बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे, पानी से वॉश करेंगे और कुकर में डालेंगे और इन्हें हम उबाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है, कुकर में चने डाल दिए हैं, नमक और हल्दी डालेंगे। तो हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और नमक 1/2 छोटा चम्मच, ये हम डाल के इन्हें हम बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे। लगभग 4 से 5 सीटी लेंगे हम लो मीडियम फ्लेम पर। इतनी 4 से 5 सीटी में हमारे जो चने हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है और चलते हैं गैस की तरफ, इन्हें उबाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने 4 टमाटर, थोड़े से लगभग 50 ग्राम करीब काजू और बादाम मिक्स करके लिए हैं, गर्म पानी में भिगो दिए थे। 3 हरी मिर्ची ली हैं और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। बिना प्याज लहसुन के हम छोले बना रहे हैं। और ये देखिए, चने हमारे तैयार हो गए हैं। मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, मैश करके दिखाता हूँ, आसानी से मैश हो जाए। ये देखिए, देसी चना मैश हो गया, काबुली चना ये भी मैश हो गया। तो इसका मतलब है हमारे चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। कढ़ाई रख दी है गैस पे। इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून। अच्छा गर्म होने के बाद रूम टेम्परेचर पे आ गया, फिर हल्का सा गर्म चाहिए हमें, जितना कि हमारे जो मसाले हैं वो भुन जाएं, जले ना। जीरा डाला है, साबुत बड़ी इलायची डाली है, 2 तेज़पत्ता डाले हैं मैंने और काली मिर्ची डाली है। फिर हमने जो पेस्ट तैयार किया था टमाटर हरी मिर्ची का, वो हमने डाल दिया है। हींग ली है मैंने 1 चुटकी और इसे हम पानी में भिगो देंगे, मतलब फूलने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में ये देख लीजिए, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक लिया है स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर लिया है मैंने। ये सारे मसाले हम डाल देते हैं इसके अंदर और इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून जाएँ, ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। हम इसमें डाल देते हैं अपने हींग का पानी, जो अभी हमने तैयार किया था, 2 मिनट पहले ही हमने तैयार किया था। अच्छे से ग्रेवी को पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी ऑयल रिलीज़ ना कर दे। फिर हम इसमें डालेंगे अपने चने जो हमने बॉईल करके तैयार रखे हुए थे। आप इसमें उबले हुए आलू भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो और पनीर भी डाल सकते हो आप। नॉर्मल बनाई है मैंने ये चने की सब्जी, मतलब छोले मसाला, जिसे आप भटूरे, कुलचे आदि के साथ सर्व कर सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और आप प्याज लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हो टमाटर से पहले ग्रेवी के रूप में। और ये बिल्कुल तैयार है हमारे छोले। आप बनाइए और सर्व कीजिए भटूरे कुलचे के साथ, पूरी पराठे, चपाती, नान के साथ, राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।